तो दोस्तों यकीन करें कि ये इलेक्ट्रीशियन का काम है और बिल्कुल जो है एक रुपया भी किसी को नहीं देना। मुश्ताक भाई ने ये कसम उठाई भी है और ये किस तरह जो महारत से आप भी देख के परेशान हो जाएंगे। ये सिरेमिक का बल्ब जो है, ये हीट का जो है, इतने ज़्यादा खदशात नहीं होते, लेकिन मुश्ताक भाई ने फुल सेफ्टी माहौल इसको बना दिया। ये अपने उस्तादों का एहतराम करें, जिनसे आप सीखें उनका अदब एहतराम काफ़ी ज़रूरी है। उस्ताद ख़ुद तो बादशाह नहीं होता, लेकिन शागिर्द को ज़रूर बादशाह बना देता है। तो आप यार अंधेरा हो रहा है राजी चढ़ाऊंगा बीच पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासर खटक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासर बर्ड्स एकेडमी। तो दोस्तों ये जो मैंने पीले रंग का अपर जेर तन कर दिया, ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इस्लामाबाद में सर्दी ठीक ठाक आ चुकी है और गुज़िश्ता दो दिन पहले जो है बारिश हो चुकी है। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल हो गया इंजॉयमेंट के लिए। ना ये दर्द सर्द सिर्फ बनाए तो बनाए सिर्फ परिंदों वालों के लिए, बाकी जो लोग हैं जो वेले हैं और जो इंजॉयमेंट करते हैं वो कोई नारान जाएगा, कोई कलाम जाएगा, कोई मालम जब्बा जाएगा। हमने इधर ही रहना भाई, कलोनी है, हमने तो सिर्फ मैयत पे भी सिर्फ जनाजे पे ही जा सकते हैं और तो हमारी कोई दुनिया है ही नहीं। ये भी इसलिए कि सिर्फ जो है रस्मी कार्रवाई करनी है, उसके बाद परिंदों को तो अकेला छोड़ा जा नहीं सकता। और ऊपर से जब एकेडमी का मकसद यही है कि आपको भी टच में लेना और साथ साथ खुद भी सीखते रहना है, तो ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो आज जो है टॉपिक, जारी सी बात है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ मैं, आप लोगों को जो है आज बताने वालों के मुश्ताक भाई ने एक और टैलेंटेड काम किया और एक ऐसा होल्डर ईजाद कर दिया। जिस तरह इन्होंने स्टिक ईजाद की थी तो ये होल्डर भी ईजाद हो गया। और जब मैं ये आपको होल्डर दिखाऊँगा तो यकीन करें अगर आपको पसंद आया तो आपने हौसला अफजाई ज़रूर करनी है और आपने लाइक के बटन को एक से दो दफ़ा दबाना है, लेकिन दो दफ़ा दबाएंगे तो वो डिसलाइक हो जाएगा, इसलिए तीसरी दफ़ा दोबारा दबा देना। तो इससे जो है वीडियो को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हासिल होगा और हमारी हौसला अफजाई होगी। इसी तरह बेहतरीन हम जो है और भी टैलेंट आपके सामने पेश करेंगे और इस टैलेंट से यकीन करेंगे कुछ इलेक्ट्रिशियन भी जो हैं वो इस चीज़ से काफ़ी मुतासर होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए ये वीडियो जो इसलिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा कि आपके बर्ड भी, मुझे 100% पता है कि मटकी से जो बच्चे दो दिन बाद उतर रहे हैं वो एक्सपायर होते जा रहे हैं। तो ये मसला जो है ऑल ओवर पाकिस्तान बल्कि इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट आ चुकी हैं इस बारे में। तो ये मसला जो है इसको आज हम उजागर करना था, उसके लिए जो है आज एक अजीम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। और प्रैक्टिकल आप मेरे चैनल पे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार प्रैक्टिकल किया करें, तो वो प्रैक्टिकल भी आज हम करके दिखाएंगे। ये गिला भी मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर, मेरे भाई, मेरे चाहने वालों का दूर किया जाएगा। तो सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। और आप लोगों से यही दुआ कि वीडियो में, बल्कि उस टाइम तक तो वीडियो बन चुकी होगी, लेकिन आप लोग दुआ करेंगे ये जो काम हम कर रहे हैं ये खैर खैरियत से पाए तक मील तक पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो आपको डायरेक्ट जो है मैं लेकर चलता हूं अपने टेक्निकल वर्क की तरफ। तो दोस्तों यकीन करें कि ये इलेक्ट्रीशियन का काम है और बिल्कुल जो है एक रुपया भी किसी को नहीं देना। मुश्ताक भाई ने ये कसम उठाई भी है और ये किस तरह जो महारत से आप भी देख के परेशान हो जाएंगे। ये सिरेमिक का बल्ब जो है, ये हीट का जो है, इतने ज़्यादा खदशात नहीं होते, लेकिन मुश्ताक भाई ने फुल सेफ्टी माहौल इसको बना दिया। ये चीनी वाला होल्डर है, चीनी खाने वाली चीनी जो होती है वो वाली नहीं है और ना ये चीन से आया हुआ चीनी है, ये बस एक मिट्टी का जो होल्डर होता है, ये गर्म कम होता है बनिस्बत प्लास्टिक के होल्डर से। और ये सिरेमिक बल्ब है और ये हमने इसका होल्डर बना दिया और ये इसको हमने अच्छी कॉपर की वायर से हमने इसको कर दिया है। उसके बाद हम इसको स्केच के मिड में लगाएंगे और मिड में लगा के जो है पिंजरा बंद करके हम कॉलोनी के अंदर छोड़ देंगे। और कॉलोनी नंबर एक ये होगी, एक ये कॉलोनी हो जाएगी जो है कॉमन की, दूसरी हो जाएगी जावा की, तीसरी हो जाएगी म्यूटेशन की। तो इन तीन कॉलोनियों में जो है हमने ये तीन फोल्डिंग केज बना के रखी हैं और इसके हिसाब से जो है हमने पीस भी बना लिए हैं।
तो दोस्तों ये काम जो है काफ़ी एंड तक तकरीबन पहुंचने वाला है, बस प्रैक्टिकल के आपको चला कर दिखाना जो है बाकी रह गया है। काफ़ी हद तक जो है अरेंजमेंट सारे हो चुके हैं, जो रिक्वायरमेंट थी इस होल्डर की वो सब कुछ हो चुका है। तो दोस्तों अगर मैं आपको करीब ला के दिखाऊँ तो ये देखें, ये होल्डर हमने लगाया है, ये इसको जो है मोटी शटरिंग की पट्टी होती है उसको हमने बीच में सुराख करके एक नई इसको ईजाद बनाई है। और यकीन करें बात को मैं बिल्कुल मानने से इनकार नहीं करूँगा कि ये सिर्फ मुश्ताक भाई का जहन था और इसमें इनको अल्लाह की तरफ से जो है ये आइडिया आया है, इन्होंने कहीं भी ये देखा नहीं था। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मुझे लग रहा है ये इंशाल्लाह आगे कामयाब होने वाला है। और ये पहले जिस तरह बता चुका हूँ, ये साइडों पर हमने इसके हुक लगाए हैं ताकि केजेस में रहें। और इससे यह है कि सिरेमिक बल्ब में जो है लोग कह रहे हैं कि यार ये इससे जो है आग लगने का ख़तरा है, लकड़ी जल सकती है, तो काफ़ी स्पेस देने के बावजूद जो है ये काफ़ी जो है मसले मसाइल आ रहे थे, तो इसलिए हमने लकड़ी से भी इसको स्पेस देने की कोशिश की है। होल्डर जो है हमने इसको मिट्टी वाला लगा दिया है ताकि कोई ऐसी जो है हंगामी सूरत ना बने। तो बाकी जो है आप तजर्बा देखेंगे, इसको दो घंटे इसी पर लगा कर देखेंगे तो कोई ख़ातिर ख्वाह रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है और अल्लाह से उम्मीद भी बेहतर की रखनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि कितने बेहतरीन तरीके से मुश्ताक भाई ने जो है मुझसे काम करवाया, और मैं यही कहूँगा कि यार जाहिर सी बात है जब उस्ताद होता है तो उनके साथ काम करवाना पड़ता है, कुछ मेरा जहन मिल जाता है कुछ उनका मिल जाता है, तो जब दो जहन आपस में मिलती हैं तो जाहिर सी बात एक नई तख्लीक लाजमी वजूद में आती है। तो इस चीज़ को आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, अपने उस्तादों का एहतराम करें, जिनसे आप सीखें उनका अदब एहतराम काफ़ी ज़रूरी है। उस्ताद ख़ुद तो बादशाह नहीं होता लेकिन शागिर्द को ज़रूर बादशाह बना देता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा इस अपनेपन के साथ कि आप अपना अपने परिंदे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।